हेलो फ्रेंड, आज मेरी इस टेक्निकल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ। फ्रेंड, आज मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि ऐसी वीडियो बनाओ कि जिसमें हम किसी का भी स्टेटस अपने व्हाट्सएप टाइमलाइन में लगा सकें बिना उससे मांगे, तो आज मैं इसी इसी के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें व्हाट्सएप पे जाना होगा। यहाँ पे हमें स्टेटस में जाना होगा और जिसका भी हमें स्टेटस अच्छा लगे और या हम चाहते कि उसका स्टेटस हम अपने व्हाट्सएप टाइमलाइन में ले ले, तो उसको हमें वॉच करना होगा। एग्जांपल के तौर पे मुझे ये बात अच्छा लगा, ये जो चल रहा है। हमें इसे थोड़ी देर देखना होगा और कुछ 10 सेकंड आप देखिए, इसके बाद इसे बैक कर लेंगे। इसके बाद आपके पास MX प्लेयर का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये मैंने MX प्लेयर खोला। इसके बाद आपको स्टेटस में जाना, स्टेटस में जाना है। तो यहाँ हम स्टेटस में जाएंगे, यहाँ पे देखिए सेम वही अब हमें इसे शेयर करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें इसे अपने व्हाट्सएप टाइमलाइन में बैठाना है, तो हम देर तक रखेंगे। यहाँ पे आपको शेयर बटन दिखा होगा, व्हाट्सएप चूज करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ पे माई स्टेटस में इसको लगा देंगे। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो व्हाट्सएप स्टेटस होता है शायद 12 या 24 घंटे का होता है, तो जैसे ये घंटे होंगे वहाँ पे जो स्टेटस फोल्डर में जो था वो भी डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप उसकी कॉपी रखना चाहते हैं तो या तो इसको शेयर कर दीजिए लोगों के साथ, या फिर इसको एक अलग फोल्डर में रखिए। अब तो चलिए देखते हैं ये काम किया या नहीं। तो यहाँ हम गए, इस तरीके से दोस्तों किसी का भी स्टेटस अपने व्हाट्सएप टाइमलाइन में लगा सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो, टेक्निकल अनबॉक्सिंग और हैकिंग वीडियो लाता रहता हूँ।